हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बातें करेंगे, अगर हमें ब्लैक कलर की बटरफ्लाइज बहुत दिख रही है, चाहे जोड़े में हो या फिर एक ही दिख रही है, तो इसका मतलब क्या है? क्या कहना चाहती है हमारी एंजल्स हमसे, हमारी यूनिवर्स, हम जिस डिवाइन को मानते हो? देखिए, जब भी हमें कोई भी बटरफ्लाई शो होती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आती है, हमारी लाइफ की चेंजेस को लेके आते हैं, पॉजिटिव चेंज को लेके आती है। लेकिन जब हम व्हाइट कलर की बटरफ्लाई दिखते हैं, या फिर येलो या फिर ग्रीन कुछ भी हो, तो हमें एक और भी अच्छे पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। लेकिन जब हम ब्लैक कलर देखते हैं तो थोड़ा सा मेरे मन के अंदर घबराहट हो जाती है, या फिर कुछ ऐसे फील होती है थोड़ा सा कि बटरफ्लाई तो है लेकिन ब्लैक क्या होगा। एक्चुअल में ब्लैक कलर की बटरफ्लाई हमें शो इसलिए हो रही है क्योंकि हम कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर अभी भी रखे हैं, या फिर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर रखे हैं। और बहुत सारे लोग ये भी है, कुछ गलत काम कर रहे हो, गलत रास्ते में चल रहे हो आप लोग चाहकर भी उससे आप दूर नहीं हो पा रहे हो, या फिर अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे हो। तो इस टाइम अगर आपको दिख रही है, आप जो भी कर रहे हो, जो भी सिचुएशन में हो, तो ये जो ब्लैक कलर की बटरफ्लाई है, ये इसीलिए आपको दिखाई दे रही है बहुत बार, कि आपके अंदर जो भी नेगेटिव चीज़ है, थोड़ी बहुत जो भी है नेगेटिविटी, उनसे आपको दूर होना है। अपने आप को हील करने का टाइम आ गया है। आप जो भी कर रहे हो सकता है वो गलत कर रहे हो, आपको भी पता है या फिर नहीं पता है। आप सोच लो अच्छे से कि आप सच में क्या अच्छे कर रहे हो, कुछ भी काम या अच्छे हो रहा है आपके साथ, जो कर रहे हो आप, उनकी जो रिजल्ट है आप देख पा रहे हो अच्छी। हो सकता है कि भटक गए हो किसी रास्ते में, आप गलत रास्ते में। तो आपको क्या करना है, अगर आपको लगातार ऐसी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिख रही है, तो आपको सोचना है कि कैसे आप राइट ट्रैक पे आओ, कैसे अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम अभी चल रही है उनको आप सॉल्व करो, आप नेगेटिव चीजों से कैसे दूर हो। और इस टाइम बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि आपके साथ, आपकी बहुत फ्रेंड सर्कल में कोई है, या फिर आपकी रिलेशन में, या फिर आपकी रिलेटिव में कोई टॉक्सिक पीपल है, या फिर कोई टॉक्सिक आपके रिलेशनशिप है, या फिर कुछ ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन आप फेस कर रहे हो इस टाइम। तो आप इस टाइम अगर ब्लैक कलर की बटरफ्लाई बहुत दिख रही हो, तो इसका मीनिंग क्या है आपको पता है? यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको प्रोटेक्शन में रखा हुआ है। वो लोग आपको गलत रास्ते में जाने के लिए प्रोवोक कर सकते, या फिर कुछ गलती करने के लिए आपको मतलब आपको बता सकती है कुछ ऐसी चीजें जो आपके लिए गलत हो। तो ऐसे टॉक्सिक पीपल से आपको दूर होना है, क्योंकि आप समझ रहे हो धीरे धीरे कि वो आपके लिए गलत सोच रही है, फिर आप धीरे धीरे उनको पहचान रहे हो। ठीक है, पहले नहीं पहचानते थे, लेकिन जो आपको ऐसे पहचानने वाला, मतलब टॉक्सिक पीपल आप पहचान रहे हो, उस वक्त अगर आपको ऐसे ब्लैक कलर की बटरफ्लाई शो हो रही है, तो इसका मतलब तो क्लियर है कि आपको उससे रिलेशनशिप, जो भी है, आपकी फ्रेंड हो, फैमिली मेंबर हो, या फिर आपकी कोई रिलेटिव हो, या फिर किसी भी रिलेशन में हो आप, तो उनसे आपको दूर होना है, क्योंकि ये अच्छी नहीं है आपके लिए। आपको अच्छे से रहना है, अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है, अपने लिए काम करना है, दूसरों के लिए काम करना है जो आपको पॉजिटिविटी देती है। जो लोग आपके लिए भला सोचते हैं, बहुत गुड गुड आपके लिए पॉजिटिव थिंक करते हैं, आप भी उनके लिए पॉजिटिव थॉट क्रिएट करो। आपकी थॉट प्रोसेस में बहुत चेंज लाने की जरूरत है।
आपकी थॉट प्रोसेस जो है अभी बहुत ही नेगेटिव हो रही है या फिर नेगेटिविटी से अभी भरा है। आपको पॉजिटिविटी लानी है अपने अंदर ताकि आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर सको। अभी सब कुछ जो अट्रैक्ट हो रही है आपकी लाइफ में, जो भी सिचुएशन हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस गलत है, वो नेगेटिव है। तो आपको सबसे पहले अपने थॉट की चेंज लानी है। आप जो भी सोचो, सोच में बदलाव लाओ, पॉजिटिविटी को आप अंदर लो, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो, कोशिश करो, ज़रूर आप कर पाओगे। अपने आप को हील करो। आप किसी भी डिवाइन को मानते हो, जिस डिवाइन को मानते हो उनके लिए प्रेयर करो, अपने विशेस मांगो या फिर मैनिफेस्ट करो, कुछ भी देखना अच्छे से होगा। वो पॉजिटिविटी के साथ करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसे ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखाई दे रही सिचुएशन में, तो आपको आपके अंदर झांकनी है क्या गलत हो रही है मेरे साथ, क्या गलत सोच रही हूँ मैं या फिर क्या गलत रास्ते में हूँ मैं। ऐसे आप सोचो, आपकी जो शैडो साइड है उनमें काम करने की अब क्यों ज़रूरत है। आपके अंदर जो भी अभी चल रही है उनमें आपको काम करने की ज़रूरत है, अपने आप को बदलाने की ज़रूरत है। क्योंकि ब्लैक कलर हमें इसीलिए शो रहा है क्योंकि हम ईगो में हैं अभी, हो सकता है, या फिर बहुत गुस्से में हैं अभी, गुस्से के लिए सारे काम मतलब नष्ट हो रही है, या फिर काम ही नहीं कर पा रहे, पेंडिंग पड़ा है। तो क्या करना है, हमारे गुस्से को ख़त्म करना है, ईगो को ख़त्म करना है और हमें पॉजिटिविटी के साथ काम को कंप्लीट करना है, एक्शन लेनी है। इसीलिए हमें ऐसे यूनिवर्स दिखा रहा है ब्लैक कलर की बटरफ्लाई। और जो भी हमारे लिए गलत सोचता है, टॉक्सिक पीपल है, उनसे दूर रहना है, ठीक है। और अपने शैडो साइड पे भी काम करना है ताकि हम अच्छे से अपने आप को पहचान सके, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोच सके, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सके। तो ये सारी जो बटरफ्लाइज है ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, कोई भी नेगेटिव चीज़ इसमें नहीं होते, सिर्फ हमारे लिए वो भेजते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। हमारी यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज होती है, हमारे लिए साइन होती है। और बटरफ्लाई हमेशा स्पिरिचुअल मैसेंजर होती है। स्पिरिचुअल लाइन में हमें जो भी डेवलपमेंट मिली है या फिर जो भी ग्रोथ मिली है स्पिरिचुअलिटी में, उनको और भी अच्छे से हमें उनमें और भी अच्छे वर्क करनी है, और भी ग्रोथ होगी हमारे स्पिरिचुअल लाइन में। तो हमें क्या करना है, हमें चेंज लानी है, अच्छे से इनवर्क करनी है और अपने आप को अच्छे से तैयार करनी है बेटर चीज़ों के लिए, ना कि गलत चीज़ों के लिए, ठीक है। तो जिनको ये ऐसी बटरफ्लाई शो रही है ब्लैक कलर की, जोड़े में हो या फिर एक जो भी आप देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपको यूनिवर्स की तरफ से बहुत खास मैसेज, मैंने आपको जो भी बताया ये सब आपके लिए है। और अपने आप को तैयार करो, बहुत अच्छे से तैयार करो, पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए अपने आप को बदलो, पॉजिटिव थॉट क्रिएट करो, नेगेटिविटी से दूर रहो, ठीक है। देखना ज़िंदगी बहुत अच्छे से जाएगी, जो भी अभी प्रॉब्लम है, जो भी कुछ है वो सॉल्व हो जाएंगे बहुत जल्द। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर एक लाइक कर देना और शेयर कर देना, कमेंट ज़रूर करना। और जो लोग अभी तक मेरे साथ जुड़े नहीं हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। चलो गाइस, टाटा, टेक केयर, लव यू।